अग्रवाल किचन में सभी पेट लवर्स का स्वागत है। आज हम पेट्स के लिए जो पपी होते हैं, पपी जब नया लेके आते हैं लोग 30 दिन का 40 दिन का, तो उसको क्या खाना देना होता है, क्या उसको खिलाना होता है, उस पर हमने एक वीडियो बनाया है। तो मार्केट में आपको सभी तरह के ब्रांड मिलते हैं, रॉयल कैनिन है, प्यूरिना है, सुपर कोट आता है प्यूरिना का, पेडिग्री है, सभी के स्टार्टर फूड आते हैं, पपी फूड आता है। तो उसी के लिए हमने आज एक ये रॉयल कैनिन का मैक्सी लिया है, क्योंकि हमारे पास जर्मन शेपर्ड है तो हम रॉयल कैनिन का मैक्सी प्रेफर कर रहे हैं उसके लिए। तो इसका एक मेजरमेंट आता है, जो मेजरमेंट के हिसाब से आपको लेना होता है, जो एक कप होता है, कप के मेजरमेंट के हिसाब से आप लेना होता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा जो क्वांटिटी है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, वो लेके एक बाउल में डाल लीजिए, और उसके बाद में उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिलाइए। गर्म मतलब निवाया पानी, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए, मीडियम सा पानी उसमें मिला दीजिए। मिलाने के बाद थोड़ा उसको एक 5-10 मिनट्स उसको ऐसे ही रेस्ट करने दीजिए। जो दाने होंगे वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे और उसका जो फ्लेवर है वो भी पानी के अंदर मिक्स हो जाता है। देख, आप ये देख सकते हैं जो कप है, ये कप में सारे तरह के मेजरमेंट लिखे हुए हैं। यानी अगर आप 2-3 वीक्स के पपी को फूड दे रहे हैं तो 25 ग्राम आपको लेना है, उसी को आपको इक्वली 3 या 4 भाग में डिवाइड करना है। उससे ऊपर 3 या 4 महीने का, 4 हफ्ते का पपी है तो उसको 50 ग्राम देना है, उसको भी इक्वली 2-3 टाइम्स में डिवाइड करना है। तो अभी देख सकते हैं आप, ये जो फूड है ये सॉफ्ट हो गया है थोड़ा सा, और इसको हम निकाल लेंगे। इसको अलग निकाल के हमें उसको देना होगा। तो ध्यान रहे कि जब ये आप फूड पानी में भिगो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना हो। और ये देख सकते हैं, देखिए पपी इस फूड को अच्छे से एंजॉय कर रहा है और आसानी से खा पा रहा है। ये 4 वीक्स का पपी है फ्रेंड्स, अच्छी इसकी ग्रोथ है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और पपी से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी हो आप मुझे मेरे नीचे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए,